मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर का विकास किया है, उस तरह से उन्होंने बोधगया पर ध्यान नहीं दिया। गया और बोधगया के ठीक से विकास नहीं होने को लेकर दुखी जीतन राम मांझी ने कहा कि तपोवन को पर्यटक हब होना चाहिए था, यहाँ विकास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मांझी ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो इस दौरान मेरे दिमाग में ये सारे बातें आती थी, लेकिन हमें मौका ही कम मिला। गया का विकास नहीं होना इलाके के लोगों के साथ अन्याय जैसा है। मांझी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा सकती है। जीतन राम मांझी मोहरा प्रखंड के तपोवन महोत्सव के मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई सवाल खड़ा किए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गया जिले में तपोवन को पर्यटन क्षेत्र का राजधानी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं जीतन राम मांझी का ने कहा कि तपोवन एक पवित्र स्थल है, इसके साथ ही यहाँ के बगल में कुर्कीहार, अड़ाही, गहलौर जैसे जगह है जहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं। वहीं मांझी ने कहा कि मेरे कार्यकाल के समय गया के अन्य स्थलों को विकसित करने का पूरा प्लान मेरे दिमाग में था। साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर मुझे कुछ दिन और मिल जाते तो अब तक इस क्षेत्र में विकास हो गया होता। जीतन राम मांझी ने सारों इशारों में बगैर किसी का नाम लिए कहा कि बिहार में राजगीर का तेजी से विकास हुआ है, यह अच्छी बात है, लेकिन गया राजगीर से किसी भी मायने में कम नहीं है। मकर संक्रांति के मौके पर बिहार के गया जिले के मोहरा प्रखंड में हर साल तपोवन महोत्सव मनाने की परंपरा रही है। तपोवन एक गर्म कुंड है जहां जाड़े के दिनों में लोगों का हुजूम उमड़ता है। इसी महोत्सव का उद्घाटन करने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिले के प्रभारी मंत्री इसराइल मंसूरी, विधायक ज्योति मांझी समेत दूसरे लोगों के साथ मौके पर पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।